उसके नीचे ट्रेड करें तब तक हमें कोई फ्रेश बाइंग देखने नहीं मिल सकती है। तो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस पे निफ्टी एज वेल एज अ बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू कॉशियस है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, मेरी राय यही होगी कि रैदर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द निफ्टी और बैंक निफ्टी, डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कीजिएगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। चलिए, तो छोटे दायरे में बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है और इसी के चलते आप देखिए जो फोकस है वो स्टॉक्स पर ज्यादा खींचे, लेकिन फिलहाल आप देखिए मारुति इसकी बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं। जो कुल बिक्री है वो 1.33 लाख है, यानी कि 1,33,000 यूनिट्स की बिक्री होती हुई दिखी है। कुल बिक्री करीब 4% तक बढ़ी है मारुति की, और उसमें भी जो अनुमान था हम लोग का वो करीब 5 से 6% था कि 5 से 6% तक पैसेंजर व्हीकल्स या मारुति की जो बिक्री है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। घरेलू जो बिक्री है वो इस बार 1,28,000 यूनिट्स पर आती हुई दिखी है, 1,28,000 यूनिट से बढ़कर 1.33 लाख पर आती हुई दिखी है। और यहीं पे आप देखिए जो घरेलू बिक्री है वो करीब 3.5% तक की बढ़त दिखा रहा है इस महीने, तो बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है। और स्टॉक भी आप देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट 73.23 इन लेवल्स के आसपास हल्की सी गिरावट के साथ मारुति में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एक्सपोर्ट्स में आप देखिए करीब 10% तक की तेजी आते हुए दिखी है, 10% एक्सपोर्ट्स मारुति के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जबकि घरेलू बिक्री केवल 3.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। कुल मिलाकर आप देखें करीब 4% की कुल बिक्री मारुति की तरफ से आती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है मारुति की बिक्री। फिलहाल स्टॉक करीब 0.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्वाति, आगे बढ़ने से पहले मारुति जिस तरह से आंकड़े आते हुए दिखे हैं, 0.5% तक की गिरावट के साथ मारुति ट्रेड कर रहा है, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा आंकड़ों से पहले कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, क्या करना चाहिए फिलहाल स्टॉक पर? इस मारुति की अगर मैं राय करूं देवांशी, डेफिनेटली ओवरऑल लॉन्गर टर्म होराइजन व्यू मेरा पॉजिटिव है, बट फिलहाल अभी 50 डेज मूविंग एवरेज का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जो कि अराउंड 3,70-3,50 के रेंज में फॉल हो रहा है। मुझे लगता है ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा। टेक्निकली बात करें तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है जो कि आता है 7,300 के आसपास, तो मुझे लगता है वहाँ तक एक हमें डाउनफॉल देखने मिलेगा एंड वहाँ से वापस एक बाउंस बैक देखने मिलेगी। डेफिनेटली 7,400 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो उसके वो अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमें 100-150 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने मिलेगा प्रोबेबली विद इन 2-3 डेज में ही। तो जिनके पास पे लॉन्ग पोजीशन है दे होल्ड करना चाहिए, 7,250-7,270 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। मेरा ऊपर में टारगेट है 7,400 विल बी द इमीडिएट टारगेट, एंड उसके बाद मुझे लगता है 7,540 के लेवल्स हम देख सकते हैं प्रोबेबली इन नेक्स्ट वीक में अगर सेल्स फिगर काफी अच्छा आते हैं तो। चलिए, तो आप देखिए अगर आपके पास मारुति है तो बने रहने की राय फिलहाल बनती हुई दिख रही है। लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी मारुति के स्टॉक पर आती हुई दिख रही है, अब फिलहाल 7,340 के लेवल्स के करीब ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो एक्सपोर्ट्स के आंकड़े आते हुए दिखे वो अनुमान से थोड़े से बेहतर हैं, 10% से ज़्यादा की जो बढ़त है वो एक्सपोर्ट्स में आती हुई दिखी है, लेकिन जो कुल बिक्री है वो केवल 4% तक बढ़ती हुई दिखी है। जो घरेलू बिक्री है वो करीब इस बार 3.5% से बढ़ती हुई दिखी है, 1.33 लाख यूनिट्स की कुल मिला के मारुति की बिक्री आती हुई दिखी है। और हम उम्मीद यही कर रहे थे कि अगर ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो मारुति ही है जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। अब ये देखना होगा कि बाकी जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है या बिक्री के आंकड़े हैं दिसंबर महीने के वो किस तरह से आते हुए दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालों को शामिल करते हैं। पहला जो सवाल है वो ध्वनिल शेठ पूछ रहे हैं हमें ट्विटर के जरिए, और इनके पास काफ़ी सारे स्टॉक्स की लिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले सुविन लाइफ और SBI लाइफ पर पूछा है, दोनों स्टॉक्स हैं इनके पास। SBI लाइफ 950 के लेवल्स के आसपास इन्होंने खरीदारी की है, फिलहाल इनको क्या करना चाहिए? और सुविन लाइफ फिलहाल आप देखिए 304 के लेवल्स के आसपास है, 308 पे इनकी खरीदारी है, इनको क्या करना चाहिए? लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्या करना चाहिए सुविन लाइफ और SBI पर? स्वाति देवांशी, SBI लाइफ तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो उसमें फिलहाल तो अभी एक नेगेटिव डाइवर्जेंस आ रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है कि उससे उनका 950 का बाइंग है, 970 के रेट चल रहा है, 20 पॉइंट्स हायर लेवल्स पे है, तो मुझे लगता है अगर एक शॉर्ट टर्म नज़रिया भी देखते हैं तो उन्होंने प्रॉफिट बुक करना चाहिए एट दी करंट लेवल, क्योंकि 955-960 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो वापस उन्हें उनका बाइंग लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो रैदर देन वेटिंग फॉर अ टाइम पीरियड मैं कहूँगी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए 20 पॉइंट्स का, अगर मिल रहा है नीचे में वापस 1950 के आसपास आता है तो डेफिनेटली आप वापस बाय कर सकते हैं सो डैट यू कैन चर्न योर कैपिटल्स। तो मेरी राय यही होगी कि एटलीस्ट यहाँ पे 965 का सपोर्ट
स्टॉप लॉस रखिएगा, प्रॉफिट स्टॉप लॉस अगर वो ट्रिगर्ड होता है एंड वापस नीचे आते हैं तो यू कैन डू द फ्रेश बाइंग। ऊपर में मुझे लगता है 980 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, 980 के ऊपर अगर ये पार जाता है तो डेफिनेटली ये 4 डिजिट में एंटर होगा, डेट विल बी अ 1000-1010 के मेरे टारगेट्स हैं। तो ओवरऑल व्यू मेरा SBI में पॉजिटिव है, बट आई विल सजेस्ट कि एक 965 का स्टॉप प्रॉफिट स्टॉप लॉस प्लेस करके आप अपने लॉन्ग पोजिशंस होल्ड कर सकते हैं। सुवेन लाइफ साइंस की बात करूँ तो साइडवेज मोमेंटम में है, टेक्निकली कोई अभी कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है नहीं ये पर्टिकुलर काउंटर्स पे। लॉन्गर होराइजन के लिए काफ़ी अच्छा है, अगर आपका ड्यूरेशन है एटलीस्ट 6 to 1 month का होल्डिंग कैपेसिटी है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है नीचे में ये 300-295 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 295 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजिशंस। अपसाइड मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट विल बी 340-350 लेवल्स इन ओवर पीरियड ऑफ 1 to 2 months में। चलिए तो ये दोनों स्टॉक पर फिलहाल ये राय आती हुई दिख रही है, और आप देखिए जैसे कि आपके पास तीसरा भी स्टॉक मारुति का है, यहाँ पे तो बने रहने की राय आती हुई दिख रही है, तो ये दोनों स्टॉक्स पर फिलहाल ये राय बनती हुई दिख रही है। चलिए जो अगला सवाल है वो निरंजन पूछ रहे हैं फेसबुक पर, अदानी पोर्ट्स में इन्होंने एंट्री ली है 370 के लेवल्स पर, फिलहाल कब तक इनको होल्ड करके रखना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन ली है इन्होंने, 1 to 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्या करना चाहिए? फिलहाल आप देखिए 375 के लेवल्स के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्वाति, अदानी पोर्ट्स जो खरीदारी है शॉर्ट टर्म के लिए, बने रहना चाहिए इनको? यस डेफिनेटली देवांशी, फॉर्मेशन तो काफ़ी अच्छा है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है वीकली चार्ट्स पे फिलहाल, तो अभी लास्ट 5-6 वीक से अगर मैं देखूँ तो साइडवेज मोमेंटम में है, कंसोलिडेशन फेज में 390 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो कि एक ब्रेकआउट लेवल है। अगर मैं टेक्निकल फॉर्मेशन की बात करती हूँ तो वीकली चार्ट्स में एक पेनेंट पैटर्न भी है जो कि 390 लेवल्स अगर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है जो कि स्टॉक को 400-420 के लेवल तक लेके जा सकता है। तो मेरी राय यही होगी कि डेफिनेटली ये काउंटर होल्ड कीजिएगा, नीचे में टेक्निकल के हिसाब से 360 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस प्लेस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 400-420 के लेवल्स में देखते हो इनकमिंग 1 month में एटलीस्ट। तो अदानी पोर्ट्स फिलहाल बने रहने की राय 375 के लेवल्स के आसपास, आप देखिए 2.5% ऊपर आज के दिन में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और भी ज़्यादा चार्ट्स थोड़े से मजबूत रहते हैं तो बने रहने की राय इस स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। अगला जो सवाल है वो विष्णु महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, इनके पास आइडिया के 20,000 शेयर्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, 7.5 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है, फिलहाल इनको क्या करना चाहिए और कितने टाइम तक होल्ड करके रखना चाहिए, ये इनका सवाल है। स्वाति, इनको क्या करना चाहिए स्टॉक पर? देवांशी, ओवरऑल व्यू आइडिया पे मेरा ये नेगेटिव है, ऑन एवरी राइज हम लोग ने काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखा है, कंटिन्यूस लो बनाते हुए हम लोग ने ये पर्टिकुलर काउंटर में देखा है, नो वंडर अभी उनको 1-1.5 रुपये का नुकसान हो रहा है। मैं कहूँगी कि एटलीस्ट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिएगा 5.5 रुपये का, थोड़ा और 1 रुपये का और रिस्क लीजिएगा, 5.5 रुपये का स्टॉप लॉस प्लेस, अगर कोई भी उछाल आता है सही इंट्राडे और डेली बेसिस पे आपके भाव के आसपास भी 8 या 9 रुपये तक भी जाता है तो डेफिनेटली यू कैन बुक योर पोजिशन, आप निकल जाइएगा। इसके बदले में मेरी राय यही होगी कि भारतीय एयरटेल पर आप लीजिएगा जिसमें आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम एज वेल एज आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। आइडिया इज़ नॉट अ करेक्ट बेट कि आप अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा, सो मेरी राय ये होगी कि आइडिया से स्विच मारिएगा एंड आप डेफिनेटली भारतीय एयरटेल में करंट लेवल्स पे भी एटलीस्ट 20-30% पोजिशंस बना सकते हैं। अगर कोई भी डीप आता है 400-380 के रेंज में तो लॉन्ग टर्म फॉर्मेशंस के लिए वो लेवल्स काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब में बेट है, तो मेरी राय यही होगी कि आइडिया कोई भी अगर उछाल आता है तो एग्जिट कीजिएगा एंड यू कैन बिल्ड योर लॉन्ग पोजिशंस इन भारतीय एयरटेल। चलिए तो फिलहाल जैसे कि हम देख रहे हैं आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं, हल्का सा अगर आपको मुनाफा होता है 8-9 रुपये के लेवल्स के आसपास आता है वोडाफोन आइडिया, इस स्टॉक से आप एग्जिट कर लीजिए, और साथ ही जो दूसरा स्टॉक है भारतीय एयरटेल, इसी सेक्टर में यहां पे मार्केट में अच्छी तेज़ी अगर हम देखते हैं टेलीकॉम स्टॉक्स में तो भारतीय एयरटेल ने बताई है, तो फिलहाल इस स्टॉक में खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है और वहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ से एग्जिट करने की राय फिलहाल आपको मिलती हुई दिख रही है, कोई भी आपको 8 या 9 रुपये के लेवल्स के आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए जो अगला सवाल है वो गणेश की तरफ से है, महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं इनके पास टाटा मोटर के शेयर्स हैं, 700 शेयर्स हैं जो 190 रुपये प्रति शेयर पर इन्होंने खरीदारी की है, फिलहाल इनको क्या करना चाहिए? अब देखिए करीब 185 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक है। स्वाति, टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा की हमने इस स्टॉक पर, लेकिन इनकी जो एंट्री प्राइस है वो काफ़ी नियर है, क्या करना चाहिए? ये सेवांशी, काउंटर तो काफ़ी अच्छा है सिंस उनके बाइंग काफ़ी हायर लेवल्स का है, बट मेरी राय होगी कि ये काउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
मुझे लगता है इसमें अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है प्रोबेबली 1 से 2 महीने में. अभी तो क्लस्टर रेजिस्टेंस लेवल है 190 का, उनका हाई लेवल्स पे ही बाइंग हुआ है. वो एक बार लेवल ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम्स के साथ तो डेफिनेटली हमें 220-240 के लेवल्स देखने मिलेंगे. अगर ज़्यादा आपको पोजिशन नहीं होल्ड रखनी है तो 175 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है कि जो कि 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आते हैं. क्योंकि ये स्टॉक में हम लोग ने लास्ट 2-3 महीने से यही देखा है कि 50 डे मूविंग एवरेज टच करके वापस हमें एक बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है. तो मेरी राय होगी कि पोजीशन होल्ड कीजिएगा, 175 का आप स्टॉप लॉस प्लेस करके आपके लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं. अगर ये काउंटर में थोड़ा भी उछाल आता है 220-240 के आसपास तो आपने डेफिनेटली मुनाफे बांध सकते हो. ठीक है, टाटा मोटर्स पर फिलहाल ये राय बनती हुई दिख रही है. आप देखिए 185 इन लेवल्स के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन 200 के लेवल्स के ऊपर तक के टारगेट्स के लिए आप स्टॉक में बने रह सकते हैं. हल्की सी लंबी अवधि के लिए आपको बने रहना है, लेकिन अच्छा मुनाफा आपको टाटा मोटर्स में आता हुआ दिखेगा. 175 पर आप फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं. चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को शामिल करेंगे. जी बिजनेस के द्वारा सब निवेशकों को, सब दर्शकों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं. जी बिजनेस के सारे दर्शकों को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं. हमारे सारे जी बिजनेस के दर्शकों को हैप्पी, प्रॉस्परस और प्रॉफिटेबल 2020 के बेस्ट विशेस देता हूं. जी बिजनेस के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नए साल 2020 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. 2020 एक बहुत ही अच्छा साल इनके लिए साबित हो. 2020 के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. जी बिजनेस के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से और ट्रेड बुल्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं इस नए साल में. मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार ये रहेगा, क्योंकि हम दिन भर मार्केट के उतार चढ़ाव में काफ़ी बिजी हो जाते हैं और हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते. तो इस बार मैं सोचता हूँ कि कम से कम मुझे 1 घंटा मॉर्निंग वॉक रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, ताकि वो मुझे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सपोर्टिव रहे. और वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये रिजोल्यूशन लेता हूँ कि इस साल मैं चाहूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाऊँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकें, जो कि आप सभी के लिए भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहे और मुझे भी काफ़ी अच्छा उससे बेनिफिट मिले. तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स को मैं काफ़ी अच्छे से ट्रैक करना चाहूँगा आगे आने वाले साल में. नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है. आगे बढ़ते हैं और साल 2020 में बाजार भी 2020 के मूड में फटाफट रिटर्न्स देने की तैयारी में है, लेकिन कंफ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है. क्योंकि एक तरफ है घर जैसी ज़रूरतें और गाड़ियों जैसे शौक, तो दूसरी ओर है इनसे जुड़े शेयर में दमदार कमाई के मौके. ऐसे में अब वक्त है मिस्टर 2020 से मिलने का. चलिए, तो ये दूसरा सवाल क्या है और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अब हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं. आशीष, ये बताइए, छुट्टी मनाने जाने बेहतर विकल्प है या फिर महिंद्रा हॉलीडेज का शेयर खरीदना ज्यादा बेहतरीन मौका बनता हुआ दिख रहा है? पहले तो ये बताइए आप. बिल्कुल देवांशी, सबसे पहले देख लेते कि छुट्टी पे जाने के क्या फायदे हैं. सब जानते हैं वैसे कि आमतौर पर आपको जो एक रिच एक्सपीरियंस मिलता है, आप घूमने जाते हैं, अलग कल्चर को देखते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, एक रिलैक्स हो जाता है अपने रोजमर्रा के जीवन से, आपको एक थोड़ा सा स्पेस मिलता है. तो छुट्टी पर जाने के लिए तो काफी ढेर सारे फायदे हैं. साथ ही एक बढ़िया बात यह भी है कि आप अपने बजट के अनुसार इस हॉलीडे को पूरा प्लान कर सकते हैं. देश में घूमिए, विदेश में घूमिए, जितना बजट हो उसके हिसाब से आप पूरा प्लान कर सकते हैं. अब बात आती है हमारे पास जो दूसरा विकल्प है महिंद्रा हॉलीडेज की, कि इसमें निवेश करें कि हॉलीडे पर जाएं. तो देखिए, स्टॉक ने पिछले 10 साल में तो देवांशी बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है. 10 साल में जो ग्रोथ रही है वो ऑलमोस्ट 0% कैगर की रही है. हाँ, पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो जरूर 5.5% के कैगर से ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये जो रिटर्न है ना, ये फिक्स डिपॉजिट से भी कम है. तो यानी इन्वेस्टिंग के लिहाज से तो यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आ रही. साथ ही आप डिविडेंड यील्ड भी देख लीजिए, मात्र 2% की डिविडेंड यील्ड है,
लेकिन थोड़ा ऑपरेशनली स्टॉक जो है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, क्योंकि इनकी जो आय है 27% कैगर की ग्रोथ से बढ़ रही है, साथ ही इनके देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय काफी जगहों पर इनके रिजॉर्ट्स भी हैं, तो ऑपरेशनली थोड़ी सी स्ट्रांग है कंपनी। लेकिन रिटर्न के हिसाब से आप देखिए काफी डिसअपॉइंटमेंट है। कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक नजर आती है, कोई कर्ज नहीं है इसके लिए, बैलेंस शीट मजबूत है, साथ ही 700 करोड़ का इनके पास कैश है, मौजूदा नकदी है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो देखिए स्टॉक ने रिटर्न तो अभी तक दिया नहीं है, तो इससे बेहतर तो मेरी समझ से यही होगा कि आप छुट्टी पर जाएं, थोड़ा रिलैक्स करें, अच्छा अनुभव लें। स्टॉक में तो परफॉर्मेंस नहीं है, या फिर कोई और ऐसा स्टॉक ढूंढिए आप जहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिले। बिल्कुल, तो आशीष जैसे कि आपने कहा कि छुट्टी पर जाने का ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा ही ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि अगर हम इस सेक्टर को ही देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आते हुए नहीं दिखे। इस सेक्टर में काफ़ी कंपनीज हमने देखे लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नहीं दिखे। लेकिन आशीष अगर छुट्टियाँ खत्म हो गई हो तो क्या करना चाहिए? चलिए ठीक है, तो फिलहाल आशीष ने हमें बताया कि अगर आपको छुट्टी पर जाना है या महिंद्रा हॉलीडेज खरीदना है तो बेटर जो ऑप्शन है वो छुट्टी पर जाना है, क्योंकि ये शेयर ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते और कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आता हुआ दिखा है वो ITC पर है, नवीन राजस्थान से पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए। इनका सवाल है ITC 750 शेयर्स हैं इनके पास, 239 पे इन्होंने खरीदारी की है, फिलहाल क्या कर सकते हैं और कितने टाइम तक होल्ड करने की राय दे रहे हैं। दूसरा सवाल SBI पे है इनका, 333 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी की है, क्या यहाँ पे भी होल्ड करने की राय आप देंगे लंबे समय के लिए? स्वाति जी, सेवन जी, ITC के बारे में बात करूँ तो मेरा व्यू कॉशियस है ITC पे। ओवरऑल हम लोग ने देखा है कि काफ़ी सेलिंग प्रेशर हमने देखा है ITC पे, 300 से ऑलमोस्ट 337-340 के रेंज में आया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स RSI जो कि है फिलहाल इंडिकेशन कर रहा है कि ये नेगेटिव जोन में चल रहा है, कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। बट एट द करंटली में अगर मैं चार्ट से देखूँ तो 335-332 का काफ़ी क्लस्टर सपोर्ट्स लेवल है। वहाँ से हम लोग ने देखा है कि 3-4 बार वो लेवल टच करके वापस एक बाउंस बैक रैली 270-280 तक हमें देखने मिलती है। तो एट द करंट लेवल मेरी राय यही होगी कि और थोड़ा सा लॉस थोड़ा फेस कीजिएगा, 232 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करके आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई भी उछाल आता है अपसाइड में 270-280 के आसपास तो यू कैन एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशंस। सेकेंडली SBI के बारे में बात करूँ तो डेफिनेटली काउंटर काफ़ी अच्छा है, पोर्टफोलियो में SBI जैसा शेयर होना चाहिए। नो वंडर थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस दे रहा है फिलहाल तो लास्ट 1-2 साल में, बट काउंटर काफ़ी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो फिलहाल अभी ये वीकली चार्ट्स पे फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन में, फ्लैग पैटर्न की एक बॉडी फॉर्म हो रही है ऊपर में। मुझे लगता है 340-350 के लेवल्स काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो ब्रेकआउट होते हैं वॉल्यूम्स के साथ तो डेफिनेटली हमें ये पर्टिकुलर काउंटर एक नए रेंज में जाने के लिए देखने मिल सकता है, विच माइट टेक SBI टूवर्स 400 एंड बियॉन्ड एट दैट लेवल्स। तो मेरी राय यही होगी कि SBI फिलहाल क्विट ना कीजिएगा, भले नीचे आता है तो भी पैनिक मत होइएगा, बट डेफिनेटली ये काउंटर ऐसा है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर स्टॉक तो डेफिनेटली होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है हमें 400-450 के लेवल्स देखने मिलेंगे कमिंग 6 मंथ्स में, तो डेफिनेटली ये काउंटर होल्ड कर सकते हो आप। चलिए SBI और ITC ये दोनों पर ही फिलहाल ये राय मिलते हुए दिख रही है, एक रेजिस्टेंस है और जब रेजिस्टेंस के थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो एक बड़ा स्पाइक हम SBI में भी हमें आता हुआ दिख सकता है 332 ये लेवल्स के आसपास, जो आपकी बाइंग प्राइस है इन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ITC काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में काफ़ी सवाल आते हैं ITC पर फिलहाल फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ITC में भी आप देखिए थोड़ी धीरे धीरे थोड़ी सी अपसाइड जो है वो ITC पर आती हुई दिख रही है। फिलहाल 240 के लेवल्स के आसपास ये भी जो स्टॉक है वो आपकी बाइंग प्राइस के ही लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए तो आज हम इतने सवालों को शामिल कर पाएंगे स्वाति, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन फिलहाल इस शो में बस इतना ही, लेकिन अगला शो है कमोडिटी स्पेशल, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 2020 का क्या है आउटलुक, नया साल कहां होगा कमोडिटी में धमाल, 11:26 पर। प्रस्तुत करता कामधेनु नेक्स्ट, कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील। देश के कोने कोने में ख्वाब पल रहे हैं और इन ख्वाबों का खाता है कोटक 811।
अब जितना ज्यादा डम इसकी बॉक्सिंग में है उतना ही ज्यादा डम इसके खाते में है। कोटक 811। इंट्रोड्यूसिंग अम्बा शक्ति SDTMT सुपर डक्टाइल स्टील विद क्रॉस ग्रिप्स। अम्बा शक्ति SDTMT। सहकार ग्रुप की तरफ से देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अपुन का अखा लाइफ लेमिनेटेड ऐसा अपन खूब चलेगा। अभी तो और चलेगा, अभी तो और बढ़ेगा। एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। जी बिजनेस BSC बुल रन आ रहा है अपने शानदार पांचवे एडिशन के साथ, जहां एक बार फिर देश मनाएगा कैपिटल मार्केट्स की कामयाबी का जश्न, जिसमें हर साल की तरह इस बार भी शामिल होंगी देश की जानी मानी हस्तियां। संडे 12 जनवरी 2020 सुबह 6 बजे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई। सहकार ग्रुप की तरफ से देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, भारतीय बाजारों की बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत होने के आसार। कमजोर शुरुआत के बाद और फिसलेंगे, रुकेंगे, बढ़ेंगे, ये है बड़ा सवाल। अगर 40 से 45 रुपए गोल्ड के दाम कम होते हैं तो आपके लिए बाइंग का मौका बनेगा। पर्सनल फाइनेंस हो या कंज्यूमर का हक, हैकर आपको कॉल करता है, आपको विश्वास में लेता है और आपके सामने ही आपका बैंक खाता साफ कर देता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते, तो आखिर क्यों इसे रोकने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए जा रहे। ऑटो हो या टेक, प्रॉपर्टी हो या फिर बॉलीवुड, ओशा का नाम लेते ही परफॉर्मेंस सबसे पहले याद आता है। टॉप कमर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा पैसे आपके हैं तो रीट्स आपके लिए आपके सपनों को पूरा कर सकता है। हर कदम पर जी बिजनेस है आपके साथ। जी बिजनेस, आपका फायदा। फॉरेन कंपनियां, फॉरेन प्रमोटर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स, जी हाँ, ये सब आपको हमेशा से अट्रैक्ट करते हैं। आपको भी लगता है ना कि विदेशी कंपनियों के शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए? सही लगता है, तो फिर कौन से MNC स्टॉक्स खरीदें? बताएंगे हम आपको जी बिजनेस पर हर रोज सुबह 9:30 बजे। मजबूत MNC शेयर। एक समृद्ध भारत के लिए स्वस्थ भारत होना भी जरूरी है। जी बिजनेस और BSE के बुल रन पर 12 जनवरी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई से हम सभी लोग साथ में दौड़ेंगे स्वस्थ भारत के लिए और समृद्ध भारत के लिए। थमने का नाम नहीं है जिंदगी, तेज रफ्तार है इसका हर पल। जिंदगी की तेज रफ्तार में देखिए बुलेट स्पीड के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। बुलेट बुलेटिन सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। देश, दुनिया, बाजार या कारोबार, खेल, फैशन, फिल्म या सरकार, दिन भर की हर हलचल का साथ। डिनर के साथ देखिए खबरें धुआंधार, बदल जाएगा खबरों को देखने का तरीका। देखिए खबर 40 रात 8:56 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रस्तुत करता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट, कामधेनु नेक्स्ट डबल रिप TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पैराफ्लेक्स वायर्स एंड केबल्स, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक। महंगे खाने के तेल से मिल सकती है थोड़ी राहत, सरकार ने घटाई पाम तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी।